निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। प्राचार्य महोदय और प्रशासन को अवगत कराया कॉलेज की समस्याओं से और प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देकर ये बताया कि जो 20 सालों से हॉस्टल यहाँ पे बंद पड़ा है बॉयज हॉस्टल उसे जल्द से जल्द खुलाया जाए। इसके कारण ग्रामीण अंचल से आने वाले विद्यार्थियों और किसान पुत्रों को रहने के लिए जगह मिले। हमने प्राचार्य महोदय को ये भी बताया कि जल्द से जल्द कॉलेज की सारी समस्याओं का निर्धारण कर दे, नहीं तो NSUI इसके लिए तत्पर होकर बड़ा से बड़ा उग्र प्रदर्शन करेगी। NSUI ने इसके दौरान कई समस्याओं का सर्वे किया। इसके तहत NSUI के कार्यकर्ताओं को मालूम चला कि एक भी कचरा पात्र गवर्नमेंट कॉलेज के परिसर में ठीक नहीं है और कई ऐसी पानी की टंकी है जिसमें 2016 के बाद सफाई भी नहीं हुई। ये सरासर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ है। इतनी बड़ी कॉलेज और इतना बड़ा परिसर होने के बाद हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कॉलेज प्रशासन हरकत में आए और इनको सबको सुधारे, नहीं तो NSUI अपने स्तर पर पूरी पूर्ण कार्रवाई करेगी। आज क्या करा? हमने कॉलेज का गेट बंद करके प्रशासन को की नींद उड़ाई है और ये चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द बॉयज हॉस्टल बना देना, नहीं तो NSUI अपने स्तर पर प्रदर्शन करेगी। ग्रामीण अंचल उग्र होगा और हर विद्यार्थी ये काम करेगा क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कॉलेज है, किसी प्राचार्य के बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए ये कॉलेज नहीं है। दिनेश चौधरी NSUI जिला उपाध्यक्ष। 5-7 छात्र जो NSUI से संबंधित थे उन्होंने बॉयज हॉस्टल के लिए कहा। बॉयज हॉस्टल पूर्व में जिला प्रशासन की सहमति पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के कारण बंद कर दिया गया था और इसको बंद हुए लगभग 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इसके पश्चात इस भवन में राजकीय कन्या महाविद्यालय 1995 में प्रारंभ हुआ था और उसके पश्चात इससे पूर्व इसमें MDS विश्वविद्यालय का 1987 में तत्कालीन अस्थायी कार्यालय चल रहा था। इस प्रकार करीब 34 साल के लगभग यह हॉस्टल बिल्डिंग नहीं चल रही है और राज्य सरकार ने इसे बंद करने के आदेश दिए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कई छात्र बहुत बाहर से आते हैं, इन्हें हॉस्टल की सुविधा चाहिए। इनका जो भी निर्णय है उससे प्रशासन और राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। सर आज उन्होंने गेट बंद करा, ताला लगा दिया गेट में। गेट पर ताला नहीं लगाया था, हम लोगों को जो ही सूचना मिली, गाड़ी यहाँ खड़ा था, उसने जो ही हमें सूचना दी हम तुरंत यहाँ आए। विद्यार्थियों से कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा हॉस्टल चालू होना चाहिए। सर छात्र के गेट बंद कर सकते हैं? गेट बंद नहीं कर सकते, उनको समझाइश से खुलवा दिया।